हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अथर हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि ठंडे पानी के पीने से हमें क्या क्या नुकसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नुकसान मैं ऊपर से बताऊंगा। पहला नुकसान, जो लोग जिन्हें माइग्रेन का दर्द होता है, अगर वो ठंडा पानी पीते हैं तो उनका माइग्रेन का दर्द बढ़ जाता है। जो लोग ठंडा पानी पीते हैं और उनको जो है आँखों में एलर्जी हो जाती है, आँखों में लाली लालीपन आ जाती है, आँखों में खुजली हो जाती है। जो लोग ठंडा पानी पीते हैं तो उसका कानों पर बहुत बुरा इफेक्ट आता है, कान जो होते हैं दोनों उसमें खुजली हो जाती है। फिर उसके बाद चलते हैं नाक की तरफ को। ठंडा पानी पीने से हमारे नाक में जो है वो एलर्जी हो जाती है, जो दोनों साइनस होते हैं उसके अंदर जो है स्वेलिंग आ जाती है, नाक जो है बंद हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जिन लोग ठंडा पानी पीते हैं तो उनको जो है नाक में सांस लेने की तकलीफ हो जाती है, क्योंकि जो साइनस होते हैं वो हवा को रोकते हैं। फिर ठंडा पानी पीने का अगला नुकसान क्या होता है, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो जो हमारे गले में दर्द होने लगता है, जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। उसमें स्वेलिंग आने से जो है हमारे गले में दर्द होने लगता है, जैसे बहुत से लोग ठंडी आइसक्रीम खा लेते हैं। फिर उसके बाद अगला नुकसान क्या होता है, फिर अब नीचे की तरफ को आते हैं, हमारी जो सांस की नली होती है उसमें जकड़न आ जाती है ठंडा पानी पीने की वजह से। बहुत से लोग जो ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड पानी पीते हैं, तो सांस की नली जो है सुखड़ जाती है, उससे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। ठंडा पानी पीने से क्या होता है, हमारा जो बलगम होता है वो गाढ़ा हो जाता है। जब बलगम गाढ़ा हो जाता है तो उससे क्या होता है, वो अटक जाता है रास्ते में, रास्ता ब्लॉक कर देता है जो एयरवेज है उनका, और उसकी वजह से क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जिनको कोल्ड एलर्जी होती है वो अगर ठंडा पानी पियेंगे तो फिर उनको जो है निमोनिया की शिकायत हो जाती है, सांस फूलने की शिकायत हो जाती है और पूरे फेफड़ों में बलगम जम जाता है। फिर उसके नीचे उतरते हैं, ठंडे पानी का अगला नुकसान, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो लोग ठंडा पानी पीते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है, हमारा खून गर्म होता है, जब हम ठंडा पानी पीते हैं, सपोज हमने खाना शुरू करा और ठंडा पानी पी लिया, तो जो हमारा हाजमा जो होता है वो जो गर्म मीडियम होता है, जितने एंजाइम होते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं उनको जाके वो ब्लॉक कर देता है, उसका फंक्शन जो है वो ख़राब कर देता है, तो वो खाना बगैर हजम हुए आगे बढ़ता है और वो इनडाइजेस्टिव फूड होता है, फिर आगे जाके वो खाना सड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा पेट जो है वो फूलने लगता है, ठीक है। और आंतों का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी ख़राब हो जाता है, प्रॉपर तरीके से जो है स्टूल पास नहीं होता। तो जो लोग ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो उनको जो है कब्ज की शिकायत हो जाती है। अगला नुकसान, लीवर को बहुत नुकसान होता है ठंडा पानी पीने से। लीवर जो है बॉडी का किचन होता है, इसलिए जो है लीवर के जो फंक्शन होते हैं उसको भी ठंडा पानी नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अगला नुकसान ठंडा पानी पीने का हमारे किडनी को होता है, जो किडनी का जो फंक्शन होता है उसको ये डिस्टर्ब करता है, प्रॉपर तरीके से जो एक्सक्रीशन है उसको रोकता है ठंडा पानी। फिर अगला नुकसान क्या होता है, ये खून का जो सर्कुलेशन है उसको डिस्टर्ब करता है ठंडा पानी, जिसकी वजह से खून जो है प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होता, तो हार्ट को जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जब हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो उससे दिल घबराने लगता है, ठीक है। अब ठंडा पानी पीने का उस अगला नुकसान, जोड़ों का दर्द जो है, जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की शिकायत होती है उनका जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, और जिन लोगों को जोड़ों का दर्द नहीं होता है, जनरल हेल्थ होती है उनकी, तो उनको दर्द होने की शिकायत हो जाती है। फिर अगला नुकसान ठंडा पानी पीने का, हमारी स्किन जो होती है उसको जो है ठंडा पानी पीने से वो खुश्क हो जाती है, ठीक है, स्किन को भी लॉस करता है ठंडा पानी। और अगर आप ठंडा पानी नहीं पियेंगे तो आपका बॉडी अच्छा रहेगा। ठंडे पानी का एक और नुकसान आपको बताता हूँ, ये जो मेटाबॉलिज्म है हमारे बॉडी का उसको डिस्टर्ब करता है, तो सर से लेके और पैर तक सारे नुकसान ही नुकसान है ठंडा पानी पीने के।
इसलिए आप जो नेचर ने बनाया है टेम्परेचर, उस पानी को पीजिए। बहुत जरूरी है तो 1/4 हल्का फुल्का जो है वो ठंडा पानी लेके, उसमें 3/3 सादा पानी लेके उसको जो है बैलेंस कर लीजिए, वो पीजिए, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो बहुत ज्यादा जब तक जरूरी ना हो तो आप इससे अवॉइड कीजिए, बचिए। और बाहर की जो ठंडी चीजें हैं जैसा आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, जब आप पीते हैं तब भी ठंडक से आपको बॉडी को नुकसान ही नुकसान है। इसके अपोजिट अगर आप सादा पानी पियेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, अगर आप गुनगुना पानी पियेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठंडा पानी हर चीज को जो है बंद करता है, नाक बंद करेगा, कान बंद करेगा, आपका गला बंद करेगा, सांस की नलियां बंद करेगा, डाइजेशन को कम करेगा। तो सब चीजों को जो है, जैसा जब ठंड लगती है हम लोग सुकड़ जाते हैं और जो गर्मी आती है तो हम लोग फैल जाते हैं, तो वही इसका फंडा है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ठंडा पानी मत पीजिए ज्यादा, और अपने बॉडी को फिट रखिए, दवाइयों से दूर रहिए, और रात को हल्का सा 2 घूंट गुनगुना पानी पी के सोया कीजिए, जिससे आपका जो है पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, पूरा यूरिनरी ट्रैक, सारे जो सिस्टम है वो फिट रहेंगे। उम्मीद है आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और मेरी इस वीडियो से लाभ उठाएंगे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।